माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपको चौंका दिया। जी कोई बात नहीं। देखिए मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप बता सकते हैं शिव सदन बिल्डिंग कहाँ पे? शिव सदन? जी हाँ, वो बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ओ, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच, हाँ याद आया, उसी के पास है शिव सदन। देखिए आप पहले सीधा जाइए, फिर दाएं मुड़िए, फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद दाएं, फिर बाएं मुड़िए, बस सामने ही नजर आएगा आपको बैंक ऑफ इंडिया। किस सोच में पड़ गए आप? जी मैं समझा नहीं, फिर से कहिए। देखिए आप पहले सीधा जाइए, फिर दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए, फिर थोड़ा और दूर चलने के बाद। देखिए अब ये मुझे दाएं बाएं समझ में नहीं आएगा, अगर आपको तकलीफ न हो और आप उसी तरफ जा रही हो तो मुझे रास्ता दिखा दीजिए। जी प्लीज। लेकिन प्लीज। ठीक है, मैं वहीं से बस पकड़ लूंगी। आइए। आप बंबई पहली बार आए जान पड़ता है। जी 3 महीने हुए हैं, अभी तक यहाँ के रास्ते ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। शिव सदन बिल्डिंग में हमारी कंपनी के अकाउंटेंट रहते हैं, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। पहले कहाँ रहते थे? दिल्ली में। आप कहाँ जा रही हैं? दफ्तर। दफ्तर? जी हाँ, मैं एक कंपनी में प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। गाड़ी रुके, वो रहा आपका शिव सदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बस भी आ गई। बाय बाय। कल मैं एक एक्सपोर्टर्स काउंसिल की मीटिंग में था, मुझे खुशी है कि आप लोगों की मेहनत की वजह से कंपनी की बहुत इज्जत है।
पिछले साल हमने 25 लाख का कपड़ा बाहर के मुल्कों को भेजा। इस साल मैं चाहता हूं कम से कम हम लोग 50 लाख का कपड़ा बाहर भेजे ताकि गवर्नमेंट कवाड़ डिजाइन कंपनी को मिले। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सर। 25 लाख के ऑर्डर तो ऑलरेडी हमारे हाथ में है और अभी 6 महीने बाकी हैं। 50 तो क्या, वी कैन इवन क्रॉस 60। एक्सलेंट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच सर। शर्मा जेबी, शर्मा जगदीश, शर्मा सुजीत, शर्मा कपूरचंद, ओफो, ये तो बहुत सारे शर्मा हैं। कैसे पता चलेगा? हाँ, अड़म तड़म तर तर माजाओ करेश मैच करवंदाणी फुल्ला। हाँ, शर्मा क्लिनिक 21475। हेलो, डॉक्टर शर्मा स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, क्या मैं राधिका से बात कर सकता हूँ? जी नहीं, आप राधिका से बात नहीं कर सकते, इस वक्त वो डिलीवरी रूम में है। डिलीवरी रूम में? यस, राधिका ने अभी अभी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अच्छा। देखिए मिस्टर, अब आप अपनी नसबंदी करवा लीजिए। नसबंदी? जी हाँ, आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ। देखिए, क्या मैं राधिका जी से बात कर सकता हूँ? अजी यही तो रोना है, नाम गोपाल है लेकिन राधिका अभी तक नहीं मिली, मिली भी है तो यो भांसा सुर की बहन। तन्ने मारे से कुछ बोल लिया? केला खा केला। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं शर्मा बोल रहा हूँ, आपको कौन चाहिए? क्या राधिका जी यही रहती हैं? जी हाँ, राधिका मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ ही रहती है। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, एक मिनट। राधिका, राधिका। जी भैया। तुम्हारा फोन है। हेलो, मैं राधिका। जी मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि अनिल मेहरा बोल रहा हूँ। कौन अनिल मेहरा? वही जिसे आज सुबह आपने रास्ता दिखाया था। ओ, तो आप वो हैं? जी हाँ, मैं वही हूँ। कही, क्या बात है? जी, आप अपनी किताब मेरी गाड़ी में भूल गई थी। अरे हाँ, मैं दिन भर परेशान थी कि अपनी किताब कहाँ गवा बैठी। अगर आप अपना पता ठिकाना बता दें तो मैं ये किताब आप तक पहुँचा दूँ। घर का पता तो आप टेलीफोन डायरेक्टर में देख ही चुके हैं। ऑफिस का पता है मलकानी इलेक्ट्रिकल्स, कस्तूरी बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, चर्च गेट। आपकी किताब अब तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक गॉड, मिल गई। मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है आपको। राम लगन, जरा आहिस्ता बोलो। अजी मैं कहा ऊंचा बोल रहा हूँ, जब देखो ऊंचा ना बोलो, ऊंचा ना बोलो। अजी कभी तो मुझे नीचे सुर में भी बोलने दिया करो। राम लगन मेरे बाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। जाता हूँ, ऊंचा ना बोलो, ऊंचा ना बोलो। अजी कीड़े पड़े ऊंचा बोलने वाले को, सत्यानाश हो ऊंचा बोलने वाले का, बेड़ा गर्क हो ऊंचा बोलने वाले का। कौन है भाई? हाँ? अरे दरवाजे पर कैसे बताएगी, अंदर तो आने दे। किससे मिलना है, क्या देख रही हो? हे घर, चलेगा? चलेगा? देख, मैं नौकरों से बात नहीं करती, तेरा साहब घर में है। तो ये कौन है? बाघ, मस्करी न को कर मेरे से, अंदर जा, जाके साहब को बोल गंगूबाई आई है। गंगूबाई? कौन गंगूबाई? माटी मिली। अरे गंगूबाई कोल्हापुरी को आखा मुंबई जानता, तू उतना वहां लगता। अरे ये रहा बर्तन भांडी कपड़ा, इसके लिए भाई नहीं लगता। पहली वाली तक काम छोड़ के चली गई। हाँ, नहीं काम करूंगी, जा जाके बोल साहब को।
देखो तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो, इस घर का मालिक मैं ही हूं। मेली कमीली, माफ करा साहब, माफ करा, माफ करा साहब, तुमसा कपड़ा ऐसा देख के नहीं समझ ली के। कोई बात नहीं, कहो क्या कहना है। साहब वो जो भाई काम छोड़ के गई ना, उसने बोला इधर काम खाली है। इससे पहले कहीं काम किया है? ओ साहब, मंजा हमेशा ये काम किया। अभी भी देखो ना साहब, हमारे हाथ में तीन घर है, एक पंजाबी सा, एक सिंधी सा, एक फारसी सा। साहब वो दो रबजी दारू वाला है ना, जानता ना, पास्ता लेन मदी जिनका प्लेट है। क्या हुआ दोराबजी दारू वाला को? हुआ कहीं नहीं साहब, हुआ कहीं नहीं, उसके घर में तीन बरस काम किया। फोन करके देखो ना, 2161-62। क्या काम करेगी तू? सब बन काम साहब, घर का झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, भांडी सब काम ये थे साहब। साहब वो दोराब सेठ है ना, वो हमारे काम से बहुत खुश है। उसका औरत है ना बहुत जाड़ी है, उठ बैठ नहीं होता साहब, इसलिए दोराब सेठ का देखभाल मीज करते, मालस मसाज मीज करते। तुम एक दफा रख के देखो साहब, खुश हो जाएगा। दोराब सेठ तो हमसे बहुत खुश है। अच्छा अच्छा, ये बताओ तनखा क्या लेगी? दोराब सेठ हमको 50-50 रुपए पगड़ देता है, बख्शीस अलग। देख दोराब सेठ की बात छोड़, मैं अकेला आदमी हूँ, 30 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा, मंजूर? मंजूर है साहब, अब भी काम शुरू करती। और सुनो भाई, पाए ना हो गंगू भाई। हाँ गंगू भाई, हम साफ सफाई का खास ख्याल रखते हैं, किचन में जाने से पहले हाथ धोकर जाना। साहब तुम इस सफाई की फिक्र मत करो, तुम हाथ धोने का बात बोलता, हम हाथ और पाँव दोनों धोकर किचन में जाता। मैं मराठी भाई, दिन में 2 दफा स्नान करती और कभी कभी 3 दफा भी। मैं भी आई। ओके मैंने सोचा था कि आप यहाँ से आए। ओ, मैं वहाँ से आ गया। आपका ऑफिस यही है क्या? जी हाँ बिल्कुल पास है, वहाँ पे। लीजिए आपकी किताब। थैंक यू। अच्छा मैं चलूँ? आप जाकर रही हैं? अपने घर। आप वहीं रहती है ना जहाँ कल मुलाकात हुई थी? उसे आप मुलाकात कहते हैं? उस दिन तो मैं बच गई, आपने तो दबाई दिया था अपनी गाड़ी के नीचे। सॉरी, आई अपोलोजाइज। एक्सेप्टेड। आप घर कैसे जाएंगे? बस से। मेरी कार से क्यों नहीं? जी? मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं वहीं रहता हूँ। लेकिन मैं। डरिए मत, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जरा अपनी सहेली से कहती। अच्छा ज्योति, मुझे घर तक लिफ्ट मिल रही है। लिफ्ट जरा सोच समझ के लेना दोस्त, कहीं भगा कर न ले जाए। तू ऐसा करना, उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेना, और कुछ गड़बड़ हो तो पुलिस में रिपोर्ट कर देना। हाँ तेरे लिए यही काम करना बाकी रह गया। देसाई इन कंपनी की बॉम्बे ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। बॉम्बे कैसा लगा आपको? अच्छा है, लगता है बहुत पसंद आने वाला है। खोल रहा है, आप कहें तो एक गर्म कप काफी लाऊं? ले आओ। लाता हूं साहब। काफी काय साहब, थकलेला दिखते है। हाँ गंगू भाई, पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ता। माथा दुखते, मैं चंपी करूंगी। नहीं नहीं नहीं, चंपी वंपी की जरूरत नहीं है। तुम्हें बगा, तुम्हें सानवाड़ते। ठीक है साहेब,
कैसा लगता साहेब? अच्छा लगता है। मजा आता है ना? बस बस गंगूबाई बस। साहेब ठहरो ना, मैं अभी ठीक करती, अभी ठीक। ये सर की मालिश करना तुमने कहाँ से सीखा? साहेब एक गंगूबाई साहब बन सीख ले लिया, मेरे को सब आता। अच्छा? हाँ, वो अपना दोराबजी सेठ है ना, वो दारू वाला, उसको हम हफ्ते में 2 बार बॉडी मसाज देती है। बोलता क्या मालूम? बोलता है दारू से भी ज्यादा नशा होता है। गंगूबाई अरे बस बस ठीक है, बस बस बहुत हो गया गंगूबाई। नहीं ठीक है, बस रहने दो, बस बहुत हो गया। ठीक है ना साहब? हाँ ठीक है। मजा आया? हाँ। फिक्र मत करो साहब, हम आपको एक दिन बॉडी मसाज देंगे। बॉडी मसाज? नहीं नहीं सर का मसाज ही काफी है। गंगूबाई काय रे काय? अरे साहब तो करवाते नहीं, तू मेरी बॉडी का मसाज कर दे। साहब तो पगार देता, तू काय देगा? अरे तूने मेरा 100 रुपया देना है ना, तो उसके ब्याज के बदले में मसाज कर दे। तो जा तेल सी बाटली ला। अरे तेल की क्या जरूरत है, तू प्यार से 2 हाथ मारेगी तो मेरी बॉडी में से अपने आप तेल निकल आएगा। इस उम्र में तेरी बॉडी से तेल निकलेगा? अरे तेल नहीं पसीना तो निकल आएगा, तेरा ब्याज माफ हो जाएगा, मेरा बदन साफ हो जाएगा। माटी मेले ऐसा बदन साफ करूंगी कि दुनिया से साफ हो जाएगा। अरे मुझे साफ करने से पहले मेरा हिसाब तो साफ कर दे। दिल साफ पाए जे राम लगन जी, हिसाब किताब तो होत रहता है। काय हो गंगू भाई? और मैं भी ऐसी बुद्धू कि आज किताब फिर भूल गई उसकी गाड़ी में। मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत कर राधिका, मैं सब जानती हूँ। तूने किताब जानबूझकर उसकी गाड़ी में छोड़ी और अब बनती है कि मैं भूल गई। सच ज्योति तेरी कसम खाकर कहती हूँ, मैं बिल्कुल भूल गई। अच्छा भूल गई, पर क्यों भूल गई? क्योंकि तेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ था ना। ए कैसा है, दिल में उतर गया क्या? चल हट। देखना मैं तो कहती हूँ शाम को 5 बजे फिर आ जाएगा किताब लौटाने के बहाने से। जी हाँ, जैसे उसे और कोई काम ही नहीं है, अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। समझे यार? वेद प्रकाश जी, ये है हमारा नया टोस्टर, साल भर की गारंटी के साथ। बाजार में जो दूसरे टोस्टर मिलते हैं उनसे सस्ता भी है। अगर आप इसे 150 रुपए में बेचें तो 20% कमीशन मिलेगी। एक्सक्यूज मी सर, चाय ठंडी हो गई और अभी तक आपने दवाई भी नहीं खाई। खा लूंगा। हाँ मलकानी साहब, ये लड़की? ये राधिका है, दफ्तर के काम के साथ साथ ये मेरा भी बहुत ख्याल रखती है, बड़ी प्यारी बच्ची है। मुंह खोलिए। तुम रख दो मैं खा लूंगा। मुंह खोलिए ना। लो। That's better. मालूम होता है तू जरूर मां रही होगी पिछले जन्म में मेरी। अनिल तुमने ऑर्डर चेक कर लिया ना? जी हाँ। ये क्या, यूके को सिर्फ 15,000 साड़ियां आ रही है? एक ऑर्डर और है। हाँ ये रहा। ओ 15,000 और, ठीक है तुम इसका इनवॉइस बना लो। जी। अलार्म, मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ, दांत की फिलिंग निकल गई है, जरा ठीक करानी। मिस्टर अनिल जी, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तब हमारे दांत का भी फिलिंग निकल जाया करता था। जाओ तुम्हारा डेंटिस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सुनो जरा फीलिंग अच्छी तरह कराना। हाँ सुनो भाई, 10 लीटर। ले ले साहब, बीवी खुश हो जाएगी। हाँ यार आज ही झगड़ा हुआ है। ले। सुनो भाई, कौन सा लूं? ये वाला। कितने पैसे? 60 पैसे सर, बाकी तुम रख लो। थैंक यू। मेहरबानी साहब, तुम्हारे लिए। थैंक यू, बहुत सुंदर है। क्या फूल? कौन सा? ये फूल, गुलाब का। दूसरा फूल तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। कौन सा? ये जो मेरे पास बैठा है। अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? अपनी गाड़ी में यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए और इस फूल के लिए। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए जो तुमने मेरा यहाँ तक साथ दिया।
नहीं तो अपने राम अकेले अपने आप से बातें करते जाते। अच्छा बाय बाय। बाय। सी यू। बाय। किताब मैंने ले ली है। सोमवार
उधर क्या देख रहे हैं मेहरा साहब? अरे तुम कैसे आई? बस से तो उतरी नहीं थी। भैया की गाड़ी लेकर आई हूँ। और मैं कब से बस स्टॉप पे नजर जमाए बैठा हूँ। तो यहाँ रहते हैं आप? फ्लैट जरा छोटा है ना? अच्छा तो है, लगता है फ्लैट किसी बैचलर का है। घर में क्या कहकर आई हो? यही कि अपनी सहेली ज्योति के यहाँ चाय पीने जा रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब यह है कि तुम झूठ भी बोल लेती हो? तुमसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। घर में और कोई नहीं है शायद? नौकर था, छुट्टी मांगकर पिक्चर देखने गया है 3 बजे का शो। अगर तुम चाहते तो छुट्टी ना भी देते। चाहता तो ना देता। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? काहे का डर? या मेरे साथ अकेले होने का? बहुत भरोसा है अपने आप पर? तुम पर भी है। अगर हम चाहते तो कहीं बाहर भी मिल सकते थे राधिका, किसी रेस्टोरेंट में। लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुमसे इत्मीनान से बातें कर सकूं। अच्छा किया। अरे मैं तो भूल ही गया था, चाय ठंडी होगी। चलो फिर। राधिका, कितने दिनों से जानते हैं हम एक दूसरे को? लगता है सदा से। याद है वो राधिका, हमारी पहली मुलाकात? मुझे कभी नहीं भूलेगी। कितनी प्यारी तस्वीर है। तो ऐसे थे तुम जब छोटे थे, 2-3 बरस के रहे होगे, है ना? ये तस्वीर मेरी नहीं है राधिका। बनाओ मत मुझे। शक्ल तुमसे कितनी मिलती है? वही आंखें, वही चेहरा, कितनी भोली, कितनी प्यारी सूरत है। ये तस्वीर मेरे बच्चे की है। तुम्हारा बच्चा? हाँ राधिका, मैं बैचलर नहीं हूं। जब मैं दिल्ली कॉलेज के फाइनल ईयर में था तब मेरी मुलाकात कामनी नाम की एक लड़की से हुई। 1 साल तक हमारा रोमांस चलता रहा। जी नौकरी मिलते ही हमारी शादी हो गई।
जनों के छोटे से परिवार के लिए 700 रुपए महीना काफी थे, मगर कामिनी बड़े घर की बेटी थी, उसका मेरे साथ मेरे घर में दम घुटने लगा। ब्याह होते ये बात हम पर साफ खुल गई कि हम दोनों एक दूसरे के लिए गलत है। 2 साल तक मैंने बहुत कोशिश की कि गृहस्थी बनी रहे, पर मैं हार गया, क्योंकि कामिनी को अपने आप से, अपनी फिगर से, पैसों से प्यार था। एक दिन वो साल भर के बच्चे प्रकाश को, मुझे और मेरे घर को छोड़कर चले गए। उसके बाद उसने तलाक ले लिया, बच्चा मेरे साथ ही रहा, मेरी माँ से देखती थी। जब वो 5 साल का हुआ तो माँ चल बसी। आखिर लाचार होकर उसे मैंने श्रीनगर स्कूल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद मेरी ट्रांसफर बॉम्बे हो गई और तब से मैं यहीं पर हूं। मैं तुम्हें और ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए आज तुम्हें घर पर बुला लिया। तुम ये चाहते थे कि मैं यहां आकर इस तस्वीर को देखूं? नहीं, मैं चाहता था कि अपनी जिंदगी के असली से तुम्हारा परिचय करा दूं। तुम चाहो तो पीछे हट सकती है, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि एक बच्चे के बाप से ब्याह करना शायद तुम नहीं चाहोगी। तुम्हें भूल तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि भूलना मुश्किल है, पर अपने बच्चे के सहारे जिंदगी काट लूंगा। अभी समय है राधिका, तुम चाहो तो पीछे हट सकती हो। तुम हट सकते हो पीछे? नहीं अनिल, बहुत देर हो चुकी है। अब प्रकाश तुम्हारा बच्चा है, मैं इसे अपना ही बच्चा समझूंगी। राधिका ने हमें सब कुछ बता दिया है, मगर अनिल भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा तलाक की नौबत नहीं आएगी? अगर ये शादी भी सफल ना हो पाई तो? शर्मा जी, शादी ब्याह के सफल या असफल होने की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना पंडित पुरोहित। मगर दिल की पुकार या आत्मा का खिंचाव जैसी चीज भी होती है, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में शायद वेवलेंथ कहते हैं। मैं अपनी पहली बीवी कामिनी के साथ 2 साल तक रहा, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजाने बने रहे। और राधिका को मुश्किल से 1 हफ्ते भर से जानता हूं, और ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे को जन्म जन्मांतर से जानते हों। ये अपनापन इतना सच्चा क्यों लगता है? राधिका, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं भैया, अनिल ने जो कुछ कहा है वो मेरे और अपने दोनों के मन की बात कही है। हाँ तो ठीक है जी, खाना लगाओ, अपने जीजा जी को ज्यादा देर भूखा रखना ठीक नहीं है।
¡Gracias!
क्या सोच रही है? यही कि तुमने मुझे बधाई नहीं दी। बधाई? तुम्हारी होकर तुम्हारे जीवन में आ जाने की। आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से। बधाई तो होठों से दी जाती है ना, लो अब तुम मुझे बधाई दो। हटो। क्या हुआ? आज की पवित्र रात हमारे मिलन की पहली रात है, तुम मुझे इस होटल में क्यों ले आए? जब अपना घर है तो फिर ये फजूल खर्चे क्यों? अनिल, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम अपने घर चलेंगे, अपनी सुहागरात अपने घर में मनाएंगे। कामिनी, अनिल, मामूली से मामूली लोग भी अपने हनीमून के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, और ये सुहागरात बार बार तो नहीं आती। कितना अच्छा होता कि तुम इस 10x12 के कमरे के बजाय किसी होटल में बंदोबस्त कर देते। अगर पैसे रुपयों की जरूरत थी तो। अरे कहाँ खो गए? तुमने बहुत अच्छी बात की राधिका, चलो हम अपने घर जाएंगे इसी वक्त। राधिका, और राधिका, क्या हुआ? दरवाजा खुला है, अंदर चले आओ। मगर क्यों? अरे जल्दी चले आओ ना, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, कहो कहो क्या बात है? जरा पेट घिसने की कृपा करेंगी? हाथ नहीं पहुंच रहा। ये लो साबुन। पहले कौन घिसता था तुम्हारी पीठ? जहां तक हाथ पहुंचता था वहां तक खुद, और जहां तक नहीं पहुंचता था कोई नहीं। हाँ, एक बार गंगूबाई ने कहा था कि शायद तुम्हारी पीठ घिसन दो, वो तो बॉडी मसाज देने को भी कह रही थी। सारी गिली कर दिया ना, फिर नहाना पड़ेगा। जाओ बाहर। जाता हूँ मगर। जाओ ना। पर टॉवल कहाँ है? टॉवल बाहर है।
जाओ। हम दोनों इकट्ठा नहीं जा सकते। जाओ ना तुम तो। जाता 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 हूँ। अब क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। ऐसे ख्याल आया कि पीठ तक तुम्हारा भी हाथ नहीं पहुंच रहा होगा। मैं भी घिस दूं तुम्हारी पीठ? नहीं, मुझे नहीं खसवानी पीठ। थोड़ी सी? नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगू भाई, काय हो? जल्दी जा और बैठक वाला कमरा झाड़ दे। अरे जल्दी क्या है, साहब लोग इतना जल्दी थोड़ा उठेगा, 12 वास्ता उठेगा। शादी की पहली रात क्या होता मालूम? नहीं माटी में तेरे को कैसे मालूम? अरे ऐसा कैसे कर दी रे? चलाई रुमा चपारी जरा। अनिल, नाश्ता तैयार है। विश्वास नहीं हो रहा। मुझे भी। मिठाई भी है बीबी जी, शादी की मिठाई ले आओ। ले आओ। अच्छा जी। इसकी आवाज को क्या हो गया है? ये पंचम स्वर में बोलने वाला प्राणी खरश में कैसे उतर आया? मैं बताऊं साहब, मैम साहब को देखकर इसका गले का चाबी ढीली पड़ गई। होश कर भाई। गंगू भाई। 12। ओ साहब, मैं समझ गई आज तुम्हें बहुत देरी से उठेगा। 12 वास्ता, तुम्हें जल्दी कैसे उठ गया? गंगू भाई, भूख लग रही थी। भूख तो लाग ले ले सब। शादी की पहली रात बहुत जालिम होता है, रात भर सोने को ही नहीं मिलता। नहीं। अरे अंडा नहीं दिया रामनगर ने? साहिब को थोड़ा अंडा खिलाओ, थोड़ा मसाले का दूध पिलाओ, फिर देखो मजा। ये बात हुई ना। गंगू भाई, तू रसोई में जा। तू जा काम कर। बारा। तुम ही भी खाओ, साहिब को भी खिलाओ। मंजे का है, औरत को क्या, मर्द को क्या, दोनों को खुराक मांगता। मेरा मर्द जब मेरा शादी हुआ तो पहली रात को सारा दूध खुद ही पी गया। मेरे को क्या पिला, खाली चाय। गंगू भाई, अपने मर से हमें मिलाओ ना। हमारे मर्द ने हमको छोड़ दिया साहब। छह वर्ष हो गया, अभी हम बिल्कुल अकेला है। पर ये छह वर्ष में हम बहुत कुछ देख लिया साहब, बहुत घर में काम किया, बहुत जंग को मिला, जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा साहब। लेकिन आज तो मैं दोनों को प्रेम करते देख के हमारे मन में कि हम कुछ बोलो साहब। बोलो गंगू भाई। साहब तुम्हें हमारे मेम साहब को हमेशा असच प्रेम करना, तुम्हें भी मेम साहब हमारे साहब को हमेशा असच प्रेम करना। मदद के बिना औरत का जिंदगी कुछ भी नहीं मेम साहब। मुझे देखो ना मेम साहब, सब बन कुछ मिला ले, प्रेम नहीं मिला ले। तुम बहुत भाग्यवान है मेम साहब, तुमको इतना अच्छा आदमी मिला। अब घर का साहब का दोनों का संभाल करना। मैं तो पढ़ ले ली सीख ले ली नहीं, मूर्ख है। पर मेरी ही बात को सच्ची समझकर कांट बांध लेना मेम साहब। पति पत्नी का साथ जन्म का होता है। अब अगर साहब दोन बात बोल दे तो तुम चुप रहना, जवाब मत देना
और साहब अगर मेम साहब से कुछ गलती हो जाए तो तुम चुप रहना, गुस्सा मत करना, दोनों चुप रहना, हंस देना, फिर देखो मेम साहब कितना मजा आता है। गंगूबाई तुमने बहुत बड़ी और बहुत ऊंची बात कही है, मैं तुम्हारी ये बातें हमेशा याद रखूंगी। एस के चांद, विमल कुमार, सुरेंद्र शोरी, प्रसन्न कपूर, गुलजार सिंह। देखो अनिल, मेरे बॉस ने कितना कीमती हार दिया है। तुम्हें बेटी माना उन्होंने, अपनी बेटी को दिया है। ये सब कीमती चीजें कल बैंक में तुम्हारे नाम का लॉकर खोल दूंगा, उसमें रख देना। क्यों? तुम्हारा लॉकर नहीं है क्या? है तो सही, मगर मेरे नाम का है। तो क्या हुआ? ये सब उपहार तुम्हें मिले राधिका, इसलिए ये तुम्हारे लॉकर में रखे जाने चाहिए। ये क्या मेरा तुम्हारा लगा रखा है? जब मैं ही तुम्हारी हो गई तो ये उपहार तुम्हारे नहीं हुए क्या? मेरी हर चीज तुम्हारी है अनिल। वाह, कितने सारे प्रेजेंट मिले हैं हमें शादी में, इतना जेवर, इतना रुपया, ये सब घर में रखना जोखिम है ना अनिल? हाँ, बैंक में मेरे नाम का लॉकर है, कल जाकर सब चीजें जमा करवा दूंगा। पर इसमें बहुत सा प्रेजेंट तो मुझे मिला है अनिल, तुम नहीं समझते? बैंक में लॉकर मेरे नाम का होना चाहिए। हाँ जरूर, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। हैप्पी। थैंक यू। क्या बात है मेरा साहब, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, ये सब तुम्हारे लॉकर में रखना चाहिए। जब तुम्हारे नाम पर लॉकर है तो मेरा लॉकर खोलने की क्या जरूरत है? देखो राधिका, देखो झगड़ा मत करना। हाँ लेट अस सी नेक्स्ट फ्रॉम सूर्यकांत देसाई। ये मेरे बॉस की चिट्ठी। मुझे भी तो देखने दो। अरे फैंटास्टिक, क्या हुआ? बहुत बड़ी खुशखबरी है अनिल, अगली पहली तारीख से तुम मैनेजर बना दिए गए और तुम्हारे तनख्वाह 3000 रुपए महीना। देखा राधिका, तुम्हारे आते ही मेरा भाग्य चमक उठा। इसका मतलब 2-3 दिन बाद जब तुम ऑफिस जाओगे तो तुम मैनेजर की कुर्सी में बैठोगे। बड़ी भाग्यशाली मेरी दुल्हन। क्या सोच रहे हो? क्या तुम प्रकाश को उतना ही प्यार दे सकोगी जितना मैं देता हूं? हाँ अनिल, लेकिन तुम्हारे मन में ये शंका आई कैसे? सोच रहा था कल को जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो। अगर खुद पर भरोसा न रहा तो मैं अपना बच्चा होने ही नहीं दूंगी। मैं सच कह रही हूं अनिल, अब छोड़ो मुझे, मुझे जाके खाना बनाना है। क्या खाओगे? तुम्हें। ओके, लेकिन उससे पहले कुछ खाना तो खाओगे। जाने दो ना प्लीज। अरे ये क्या, सारे हाथ काले कर लिए, तुम क्यों पॉलिश कर रही हो? राम लगन से कह दिया होता। उसने की थी पॉलिश लेकिन ठीक नहीं किया, मैंने देखो कैसे चमकाया है, तुम अपनी शक्ल देख सकते हो। तुम्हारा जवाब नहीं। ये क्या है? वे नहीं है तुम्हारे लिए। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चलो अरे बाप, पहनो क्या, किसी भी सूट को इस्त्री नहीं है। हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, लो तब तक ये मोजे पहनो। बीबी जी, बीबी जी साहब का सूट ले आया। लो श्रीमान जी, अब ठीक है? Thank you.
हाय लव। ओहो हाँ। अरे तुम अभी तैयार नहीं हुए? आज रात को 8 बजे मल्होत्रा जी के यहाँ डिनर पार्टी है, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम सुबह 10 बजे की गई, अब आइए 7 बजे। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। घर में माँ तो थी? माँ को बुखार है, वो बेचारी बिस्तर पर पड़ी है। पर तुम कहाँ गई थी? कार्ड पार्टी। जब देखो कार्ड पार्टी, सिनेमा, क्लब। तुम्हें सोचना चाहिए कामिनी, माँ बीमार है, मैं काम पर जाता हूँ। तुम बच्चे को अकेला छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ रंग रलियां मनाने चली जाती। मल्होत्रा की पार्टी पर जाना है, मेरा सूट तैयार नहीं, मेरे जूतों का पता नहीं। क्या तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दासी बनकर दिन भर घर में पिसती रहूं? अगर बच्चे, माँ और अपने आराम का इतना ही ख्याल है तो घर में एक नौकर और आया क्यों नहीं रख लेते? तुम अच्छी तरह जानते हो कामिनी, मेरी तनख्वाह सिर्फ 700 रुपए महीना है। हाँ हाँ ये भी जानती हूँ, 7 जन्म तक 700 से 800 नहीं होने वाली। तुमसे कितनी बार कहा मेरे डैडी से हेल्प क्यों नहीं लेते? उन्होंने कई बार कहा इसे। मैंने तुमसे शादी की है, अपनी खुददारी नहीं बेची। मैंने भी तुमसे शादी की है, आपने गुलामी का एग्रीमेंट नहीं किया है। बर्दाश्त की भी हद होती है कामिनी, कान खोल कर सुन लो। आज से तुम घर पर ही रहोगी, जो कुछ कमा कर लाऊंगा उसी में गुजारा करोगी, माँ की देखभाल, बच्चे का ख्याल रखोगी। मैं तुम्हारी बंदी नहीं कि कैदियों की तरह जिंदगी बसर करूं, तुम्हारे घर का, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूं। मेरा बच्चा, बच्चा क्या तुम्हारा नहीं? नहीं, बच्चा तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। मुझे बच्चों से नफरत है, I hate kids। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? छुटकारा, आजादी, मुक्ति, तलाक। क्या सोच रहे हो? अरे तैयार हो जाओ जल्दी से, पार्टी में जाना है, देर हो रही है। अनिल, वो हमारे श्रीनगर जाने का क्या हुआ? मैंने आज ही देसाई साहब से बात की थी, 2 हफ्ते की छुट्टी मंजूर हो गई है। सच? कब से? आते शनिवार से। कितनी बातें मेरे जीवन में पहली बार हो रही है। पहली बार तुम्हारे साथ सफर करूंगी, पहली बार श्रीनगर देखूंगी और पहली बार प्रकाश से मिलूंगी। जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी गारे
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में अनिल। हाय डॉक्टर। कैसे हो अनिल? फर्स्ट क्लास। चल मेरे साथ आ। ये है मेरी पत्नी राधिका, मेरे बचपन का दोस्त डॉक्टर जोशी, प्रकाश इन्हीं के बेटे के साथ यहाँ स्कूल में पढ़ता है। नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसा है प्रकाश? बिल्कुल मजे में। मैंने उसे बता दिया है कि आप लोग आने वाले हैं आज। डॉक्टर अगर तुम नहीं होते तो प्रकाश। नो बक बक प्लीज, मैं तुमसे पहले ही बहुत नाराज हूं। नाराज? मुझसे? किस लिए? अरे भाई, इतनी सुंदर भाभी ले आए और मुझे शादी का इनविटेशन तक नहीं। क्यों भाभी, है ना जाती? जाती तो है, जाती है। चलो भाई होटल जाना है और फिर प्रकाश से मिलने भी चलना। चलो। वहाँ प्लेग्राउंड में है, आप वहीं जाके मिल ले। वो रहा हमारा प्रकाश। वो तीसरी लाइन में दूसरा ना? हाँ। प्रकाश सुबह बेटे। बेटे तुम हमेशा पूछा करते थे ना, माँ कहाँ है, माँ कहाँ गई। लो आज तुम्हारी माँ को ले आए। यही है तुम्हारी माँ। आओ बेटे, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। बेटे हमारे पास आओ। जाओ बेटा, आओ हमारे पास जाओ। प्रकाश, ये तुम्हारे लिए। माँ इतनी देर आप कहाँ चली गई थी? बेटे मैं बाहर गाँव गई थी। अब तो नहीं जाओगी ना? कभी नहीं जाऊंगी। 6-7 दिन में तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां होने वाली है ना, फिर तुम हमारे साथ रहोगे होटल में, उसके बाद बॉम्बे। तब तक हम रोज अपने बेटे से मिलने आया करेंगे। कल भी आएंगे आप दोनों? हाँ बेटे, रोज अपने बेटे से मिलने आया करेंगे। चलो तुम्हारे स्कूल की घंटी बज गई, जाओ चलो भागो। टाटा मम्मी, टाटा पापा। टाटा। टाटा मम्मी, टाटा पापा। टाटा बेटे। टाटा। Yes, please. ऊन चाहिए बच्चे के स्वेटर के लिए। कोई खास कलर? ब्लू विल बी ऑलराइट। एक मिनट।
बहन जी आपका पर्स। ये ऊन आपने अपने लिए खरीदी है? जी नहीं, अपने बच्चे के लिए। अच्छा, कितने साल का बच्चा है आपका? 6 साल का है। ये स्वेटर आप खुद बनाएंगी? जी हाँ। मैं भी कमाल हूँ, आपका नाम तक नहीं पूछा। जी मैं मिसेस मेहरा हूँ। मिसेस मेहरा, कहाँ से आई आप? बम्बई से। ओह, यहाँ कहाँ ठहरे हैं आप? इसी होटल में, रूम नंबर 114। हम प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे हैं। मेरे हस्बैंड कानपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। किसी रोज शाम को आइए ना, रमी में खेलेंगे। जी मैं पत्ते नहीं खेलती। सी यू देन। हाय मन सुखाने। प्रकाश मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। ओ पापे, बल्लो बल्लो, सतरी काल है। सत श्री अकाल सरदार जी। भाई मजा आ गया, क्या जलवेदार मौसम है। लेकिन शाम को सूरज ढलने के बाद काफी सर्दी हो जाती है। अब बादशाह शाम को क्लब में आ जाना, 2 लीटर पेट्रोल अंदर जाएगा और सर्दी बाहर, और साथ में अपनी पाला को लेते आना। कौन बोले? मैं खुद भी नहीं जानता। इम्पाला। ला 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 ला। सुबह 10 बजे की गई, अब आ रही हो 4 बजे? तुम तो मेरी दवा लाने गई थी ना। I'm so sorry darling, जैसे मैं केमिस्ट की दुकान पे पहुंची, मनसुखाने से मिल गई, फिर हम लोग नगीन क्लब गए, वहाँ जो कार्ड्स का सेशन हुआ, आज मैं 15,000 रुपया अप हूँ, हर हाथ में पपलू टिटलू और... चुप रहे पपलू टिटलू की बच्ची, मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ, तुम अपनी रंगरलियों में मस्त हो। जरा सा पेट में क्या दर्द है कि सारा होटल सर पे उठा लिया। Shut up and get lost. ठीक है। अरे पापे, पल्ले पल्ले, सतरी काल है, तुसी आ गए। वेलकम वेलकम, साडा नाम है रौनक सिंह जलंधरी, स्पेयर पार्ट का साडा बिजनेस है, जब भी स्पेयर टाइम होता है असी इत्थे। तुसी? मेरा नाम अनिल मेहरा है और ये है मेरी पत्नी राधिका। जींदी रह कुड़िया, जींदी रह। इधर आओ बादशाह, इनसे मिलिए। ये है राजा यशपाल सिंह। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरी पत्नी नहीं, इनकी है। अच्छा बादशाह, अब आप ये बताएं कि क्या पिएंगे? मैं बताता हूँ सोहन सर, साहब के लिए एक विस्की डबल और मेम साहब के लिए 11 स्क्वायर। ओए होए, राजा साहब की जुल्म कर रहे हो, एक तो कश्मीर की ठंड और दूसरे ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल 77 की शादी, और आप मिसेस मेहरा से कह रहे हैं नींबू शरबत पी लो, आप कैसे कह सकते हैं ये विस्की नहीं पिएंगी? रौनक सिंह, मर्दों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ मैं, औरतों के मामले में नहीं। वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप औरतों के मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं। बम्पर, बम्पर, रेडिएटर, स्पार्क प्लग, फैन बेल्ट सभी जानते हैं आप। अच्छा मिस्टर अनिल, आप बम्बई से कब आए? कल आए, लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं बम्बई से आया हूँ? छोड़ो यार, ये गुर की बातें मत पूछो, ये लो। Cheers. Cheers. लेकिन राजा साहब, आप तो मेरा हाथ देख रहे थे। पहले सुनो, शादी से पहले आंखें पूरी खुली रखो और शादी के बाद आधी बंद। वाह राजा साहब वाह, तुसी छा गए। आप जब 21 साल की थी तो आपकी इनके साथ शादी हुई, राइट? जी हाँ। 5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद लड़का पैदा हुआ। जी बिल्कुल ठीक। और फिर 2 साल बाद दूसरा लड़का पैदा हुआ। जी हाँ। राजा साहब, अब आप ये बतलाइए, हमारे घर तीसरी बार जो बेबी हिंदुस्तान, मेरा मतलब जो लड़की पैदा हुई, वो कब हुई? रौनक सिंह, तीसरी बार चूहा भी पैदा नहीं हुआ और अब होगा भी नहीं। बेकार कोशिश मत कीजिएगा। नहीं। चेस। चेस। ओए हुन का दिया चीरा।
सोन बनाई पटियाला। राजा साहब जरा मेरा हाथ भी देखिए। क्या जानना चाहते हो? यह बताइए कि मेरी उम्र क्या है। मौत से डरते हो? किसी शायर ने खूब कहा है, मौत है एक लफ्ज़ बेमानी, मौत है एक लफ्ज़ बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा। वाह कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से। जानती हो राधिका, बादशाह जहांगीर ने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए क्या कहा था? क्या कहा था? गर फिरदौस बरूए ज़मीन हमियस हमियस हमियस, यानी कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। वाह बहुत सुंदर कहा था। क्यों है ना ये स्वर्ग? नहीं है? नहीं, मेरा स्वर्ग तो सिर्फ एक हाथ की दूरी पर है। ये रहा मेरा स्वर्ग। इस दुनिया में
इनके लिए और एक ब्लडी मैरी मेरे लिए। ओके सर। ब्लडी फूड, ब्लडी मैरी पीने से पहले इधर आओ। हेलो डॉक्टर, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अब बैठिए, तुम भी बैठ सकते हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डॉक्टर, नाराज है मुझसे? नाराज नहीं होगा, कब से यहाँ पर आए हुए हो, बेटे से मिल लिए, बीबी से रोमांस कर रहे हो। एक्सक्यूज मी भाभी, और दोस्त के घर पर आने का वक्त नहीं है तेरे पास। तेरे की इतनी सी बात पर नाराज हो गया? अबे 10 दिन रहने वाला हूँ यहाँ, तेरे घर जरूर आऊंगा। अब माफ कर दे। नहीं करता। अबे माफ कर दे। अबे नहीं करता। अबे कर दे, मैं बोलता हूँ। नहीं करता। तो नहीं छोड़ो तेरा का। अबे छोड़ 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 छोड़, माफ कर दिया बाबा, माफ कर दिया। कपूर साहब, अब लाइए ब्लडी मैरी, मैं लेकर आता। भाभी, कश्मीर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। डॉक्टर यहीं आ जाओ ना। आइए भाभी। आओ डॉक्टर। हाँ अनिल, इस बार मजा आ गया। प्रकाश से मिले वो बहुत खुश हुआ। राधिका को भी कश्मीर बहुत पसंद आया। भाभी कश्मीर खूब घुमाना, और हाँ शाम को क्लब जरूर जाना। अरे हाँ, कल हम लोग गए थे क्लब, वहाँ राजा साहब से मुलाकात हुई। ओ राजा यशपाल सिंह। हाँ। अरे वो तो हमारे शहर की जान है। ये राजा साहब है कौन? पिछली बार जब आया था तब तो दिखाई नहीं दिए थे। यूरोप गए हुए थे, यहाँ के बहुत बड़े रईस आदमी है। करते क्या है? बस सैर सपाटा, गप शप, लोगों को खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है उन्हें। बोलते हैं तो लगता है जैसे अनार फूटते हो। हाँ, कल रात उन्होंने हम सबको खूब हंसाया। मगर उनकी हंसी पर कभी कभी रोना आता है अनिल। ये हंसने हंसाने वाला इंसान खुद जानता है कि वो चंद दिनों का मेहमान है। चंद दिनों का मेहमान? क्या मतलब? उन्हें कैंसर है बेचारे। How sad. और खाओ। अरे राजा साहब। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते नमस्ते, सैर हो रही है? जी हाँ, घूमने निकले थे। राजा साहब, ये जमीन आपकी है जहाँ पे ये पौधे लगा रहे हैं? नहीं, ये जमीन तो सरकार की है, मेरा घर तो उस पहाड़ के उस तरफ है। तो फिर आप ये फलों के पेड़ अपनी जमीन पे क्यों नहीं लगाते? इन पेड़ों के बड़े होकर फल देने तक क्या भरोसा हम रहे ना रहे? इनमें फल लगेंगे तो जनता खाएगी। जब मैं बच्चा था ना, तब हमारे स्कूल के सामने 2 सेब के पेड़ थे। छुट्टी के समय हम सब बच्चे उन पेड़ों पर इस तरह टूट पड़ते कि क्या बताऊं, कच्चे पक्के सब चढ़ जाते। अब तो यहाँ कई स्कूल खुल गए हैं, ये सब पेड़ उन्हीं बच्चों के लिए लगा रहा हूं। खूब मजे से खाएंगे फल। वो जो पेड़ है ना, वो 2 साल पहले मैंने लगाए थे, अब देखो हमें फल आ गए। जो आदमी इस उम्र में जगह जगह फलों के पेड़ लगाए, उसके दिल में दूसरों के लिए कितना प्रेम होगा। राजा साहब, मेरा जी चाहता है कि मैं आपको उन तमाम बच्चों की तरफ से, जो एक दिन आपके इन पेड़ों के फल खूब मजे ले लेकर खाएंगे, आपको धन्यवाद दूं। हे पुत्री, हम तुम्हारा धन्यवाद स्वीकार। अरे उठो भी, एक काम नहीं। ओ अब उठोगी भी? क्या है चिल्ला रहे, जगा के रख दिया। 8:30 बज गए, दुनिया कब की उठ गई? मुझे दुनिया से क्या, मुझे नींद आ रही है। ओ उठो भी, आधी रात तक जुआ खेलती हो और दिन चढ़े तक सोती रहती हो। कानपुर में भी यही हाल, और यहाँ पहाड़ पे आई हो तो मिल गए हैं ये साले मनसुखानी और वर्मा, एक नंबर के जोड़े। खबरदार, मेरे दोस्तों को अगर कुछ कहा तो। शट अप, 4 दिन की पहचान में वो मुझसे ज्यादा प्यारे हो गए। तुम चाहते क्या हो? जो सारी दुनिया चाहती है, पत्नी को पति से पहले सो के उठना चाहिए। ये क्या इंडियन पेनल कोड में लिखा है, पति की सेवा करो पति से पहले उठो?
क्यों भाई, पत्नी क्या सिर्फ दासियां होती हैं? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। यू नो माई टेम्पर। कंप्यूटर कॉल लगाओ, बच्चों की खैरियत मालूम करो। बच्चे, मेरा राजा बेटा तैयार हो गया है, अब तुम थोड़ी देर यहीं खेलो, फिर घूमने जाएंगे। मम्मी, तुमने कुछ प्रॉमिस किया था ना? अरे हाँ, मुझे याद है अपना प्रॉमिस। देखो ये है ना। थैंक यू मम्मी। मम्मी जी, पापा कहाँ? पापा डॉक्टर अंकल के यहाँ गए हैं और हमें वही लेक के पास मिलेंगे, तुम खेलने जाओ। ओके मम्मी। क्या हुआ तुम्हारे बॉल को? रुको, उधर गिर गया। अच्छा मैं अभी देखती हूँ। अरे आप, ये बॉल आपका है? जी नहीं, मेरे बच्चे का है, खेल रहा था खिड़की से बाहर गिर गया। जरा फेंक दीजिए ना मिसेस अग्रवाल। आप कमरे में ही बैठे रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते? बस अभी निकलने ही वाली थी, आप ऊपर आ जाइए ना, चाय पीकर साथ ही निकलते हैं। ठीक है। लो, मिल गया तुम्हारा बॉल, आंटी लेकर आ रही है। गुड, वेरी गुड। तो इनका है ये बॉल? जी हाँ, जोर जोर से उछाल रहा था, खिड़की से बाहर गिर गया। नमस्ते करो बेटे, आंटी को नमस्ते करो। ओह लीव इट, लेट अस शेक हैंड। मेरा बॉल। ये लो। कमिंग। इधर आओ बेटे, यहाँ बैठो। क्या मम्मी? पीलो प्रकाश। अच्छा बेटे, बरामदे में जाके खेलो और देखो नीचे मत जाना। अच्छा मम्मी। अच्छा तो बताइए आज क्या क्या किया आपने? मैं तो सारा दिन सोती रही, सुबह सुबह ही हस्बैंड ने जगा दिया। मैं तो झिल्ला पड़ी और जो लड़ी हूँ उफ। आपने झगड़ा किया? आप लोग नहीं झगड़ते? आपका भी नहीं होगा। देखिए अगर वो कुछ कहे तो आप जवाब ही मत दीजिए। देखिए ताली दो हाथ से बजती है ना, एक हाथ रोक लीजिए। अरे तुम क्या जानन मर्दों को। आपकी तस्वीर है, ये आपके पति है? जी हाँ, ये हमारी शादी की तस्वीर है। कब हुई आपकी शादी? यही कोई 3 महीने हुए होंगे। 3 महीने? आपका तो बच्चा है ना, 6 साल का? हाँ लगभग 6 साल का ही होगा। ये बच्चा आपका है? जी हाँ मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा। आप मुझसे कुछ छुपा रही है मिसेस मेहरा? बताइए ना, इस बच्चे की माँ कहाँ है, क्या हुआ है उसे? आप किसी से कहेंगे तो नहीं ना? नहीं। आप मुझे वचन दीजिए कि बच्चे को आपसे पता नहीं चलेगा। मैं वचन देती हूँ। बच्चे की माँ इसे दूध पीते को ही छोड़कर चली गई, बिन माँ का है बेचारा बेचारा। लेकिन अब मैं हूँ उसकी माँ, मुझसे बहुत हिल मिल गया है। और आप? मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, अपने बच्चे की तरह। मगर एक दिन जब आपका अपना बच्चा पैदा होगा तो क्या आप तब भी दोनों में फर्क नहीं करेंगी? मेरा अपना बच्चा पैदा ही नहीं होगा। खैर आज सारे प्रोग्राम कैंसिल करती हूँ, आज आपके साथ घूमने चलूंगी। चलो कब? के दो ही तो सीजन होते हैं, मई जून या तो फिर अक्टूबर नवंबर। हाँ वैसे पिछली गर्मियों हम लोग शिमला में थे। अच्छा, अरे मैं चाबी रखना तो भूल गई। बेटे प्रकाश तुम थोड़ी देर आंटी के पास ठहरो, मैं चाबी छोड़कर आती हूँ। अच्छा मम्मी।
श्रीनगर कैसा लगा बेटे? स्कूल जाते हो प्रकाश? बॉम्बे में पढ़ते हो? श्रीनगर में। कौन से स्कूल में? मुझसे बात नहीं करेगा बेटे? हाथ नहीं मिलाया इसलिए नाराज हो? ठीक है, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे बेटे। अपनी आंटी को माफ नहीं करेगा? मेरा बेटा, मेरा बेटा। आंटी उधर झूला झूलने जा। हाँ बेटे, मैं तुझे ले जाऊंगी। प्रकाश, अरे इसने कहीं आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, झूला झूलने के लिए कह रहा था। हाँ मम्मी, झूला झूला। नहीं बेटे, देर हो रही है। अच्छा मिसेस अग्रवाल, हम चलेंगे, इसके पापा नीचे मिलने वाले हैं। बाय बाय। बाय बाय। चलो बेटे। हाँ जाएंगे। दूर जाएंगे? चलो। क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए। क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है। रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें राजा साहब के पार्टी में जाना और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज मेरा मूड नहीं, तुम ही चले जाओ। पार्टी में जाने का तुम्हारा मूड नहीं है? इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। मैं खुद यही सोच रही हूँ कि इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। Now stop this nonsense. फौरन तैयार हो जाओ, we are already late. मैं तुम्हारी गुलाम नहीं कि तुम जो चाहो मैं वो करूँ। मेरा भी दिल है, कभी मेरी खुशी का भी ख्याल क्या करो। तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं किया मैंने? जो तुम्हें चाहिए था मैंने तुम्हें दिया, धन दौलत नौकर चाकर मोटर बंगला और अपने नाम का स्टेटस। औरत के लिए यही सब कुछ नहीं, उसे अपने पति का प्यार भी चाहिए और अपना बच्चा भी। ये बच्चे का नया शौक कब से पैदा हो गया तुम्हें? तुम्हें तो बच्चों से नफरत थी, तुमने खुद मुझसे कहा था तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब तुम्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता। घर में दो जवान बेटे हैं मेरे, उन्हीं को अपनी औलाद समझो। कहा पति का प्यार तो उसके काबिल बनने की कोशिश करो। नाउ गेट रेडी। जिस डॉक्टर की आंखें चील की तरह तेज, दिल शेर की तरह हिम्मत वाला और हाथ औरतों की तरह कोमल हो,
समझ लो वो डॉक्टर A1 डॉक्टर है। थैंक यू राय साहब। आइए आइए अग्रवाल जी। नमस्ते मिसेज अग्रवाल। भाई राजा साहब माफ करना, जरा आज देर हो गई। कोई बात नहीं, आइए। चलो आइए। या तो आप सबको जानते ही होंगे सिवाय महराज के, मिस्टर अनिल मेहरा, मिसेस मेहरा, मिस्टर किशन अग्रवाल, मिसेस अग्रवाल। हम तो पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा, गुड गुड। नाउ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? चला ड्रिंक्स फॉर एवरीबॉडी। आइए। एक्सक्यूज मी, प्रकाश को किसके पास छोड़ा है? वो तो हॉस्टल में है। ओह आई सी। डार्लिंग जरा इधर आना। एक्सक्यूज मी राधिका, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चले। नहीं नहीं, राजा साहब क्या सोचेंगे? मैं क्या मलाई दे दुनिया, तुसी कितने गायब हो गए थे? साड़ी आंखें तरस गई आपके दर्शनों के लिए। हेलो लिटिल पेट्रोल, और कर लो दिमाग की बैटरी चार्ज। हेलो देखो पार्टी में आए, जरा गड़बड़ नहीं करना। अच्छा मैं क्या, सत श्री अकाल अग्रवाल साहब। अरे सरदार साहब क्या हाल है, कब आए? फर्स्ट क्लास हो गए कोई 15-20 दिन। अच्छा मैं क्या बादशाह, एक ही लाल सीन चल रहा सी। ऐ सीन तो तुम घर भी कर सकते हो, पार्टी चाहे हो कोई साढ़े से बात करो। पति पत्नी लोगों के बीच जब ज्यादा लाड़ प्यार जताने लगे तो समझ लेना चाहिए वो दोनों जरूर घर से झगड़ा करके आए हैं। राजा साहब, जब आप पति पत्नी के संबंध को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? लड़की नहीं मिली जी। मतलब जैसी चाह थी वैसी नहीं मिली। कैसी चाहिए थी आपको? औरत में 4 गुण होना बहुत जरूरी है। दिल में प्यार, चेहरे पे लाज, जबान में मिठास, और हाथों को काम करने की आदत होनी चाहिए। खूब कहा आपने, ये सब किताबी बातें हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये जरूरी है कि पत्नी अपने पति की गुलाम हो? मिसेस अग्रवाल, इस टॉपिक के बारे में हम यहाँ डिस्कशन ना करें तो बेहतर है। पार्टी है, लेट्स हैव अ नाइस टाइम। प्लीज बताइए ना राजा साहब, क्या पत्नी पति की गुलाम होती है? मिसेस अग्रवाल, हर पत्नी अपनी पति की उतनी ही गुलाम होती है जितना पति गुलाम होता है अपनी पत्नी का। हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है। हर सफल आदमी के पीछे हमेशा एक स्त्री रही है, फिर चाहे वो उसकी माँ हो चाहे पत्नी हो। एक बात याद रखिए, बिना स्त्री के हर पुरुष अधूरा है, जैसे बिना पुरुष के हर स्त्री अधूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए तो पत्नी को अपनी पति की अर्धांगनी कहा जाता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी को गुलाम समझे वो महामूर्ख है। गृहस्थ बिगड़ता है पति पत्नी की जिद की वजह से, स्वार्थ की वजह से, झूठी शान की वजह से। अपने घर का काम करना कोई गुलामी नहीं, अपने पति के सुख दुख में काम आना गुलामी नहीं है। अगर एक सुखी गृहस्थ, एक सुखी घर चाहिए तो पति पत्नी के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस फंक्शन का चीफ गेस्ट है राजा यशपाल सिंह जी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजा साहब टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से अ फ्यू वर्ड्स टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। प्लीज राजा साहब। आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा, भाइयों, बहनों, आज का ये उत्सव बच्चों के लिए है और बच्चों के माँ बाप भी मौजूद हैं।
आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बच्चे देश की दौलत है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, देश का भविष्य है। इसलिए उनकी देखभाल करना न सिर्फ हमारा कर्तव्य है बल्कि धर्म भी है। स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को टीचर्स प्रोफेसर्स सिर्फ पढ़ाते हैं लेकिन संस्कार उनको अपने घर से मिलते हैं। इसलिए हर माँ बाप का कर्तव्य है और खास के माँ का कि अपने बच्चों को भरपूर प्यार दें और ऐसी ऊंची शिक्षा दे कि उनका चरित्र ऊंचा हो। याद रखिए, अगर जीजा जी जैसी माता ना होती तो शिवाजी जैसा पुत्र ना होता, अगर देवकी यशोदा ना होती तो श्री कृष्ण भी नहीं होते। भगवान फिर अवतार ले सकते हैं, कृष्ण फिर पैदा हो सकते हैं, लेकिन इन हस्तियों को पैदा करने के लिए ऐसी महान हस्ती की जरूरत है जिसे हम मां कहते हैं। दिन में सबा धरती हूँ, एक दिन में सबा धरती हूँ, मैं डैडी से प्यार करती हूँ, मैं डैडी से प्यार करती हूँ। ओ मेरे बाप, मैं डैडी की नाद से डरता हूँ, मैं डैडी के नाद से डरता हूँ, मम्मी से प्यार करता हूँ, मैं मम्मी।
ना मुझे कहने दे, मम्मी से क्या प्यारा है, डैडी से जग सारा है, मम्मी से क्या अच्छा है, अरे छोड़ अभी तू बच्चा है, बच्चा बाजी मारेगा, जाने जा तू हारेगा। अच्छा पता, तेरे डैडी कैसे हैं? बिल्कुल मम्मी जैसे हैं, बिल्कुल मम्मी जैसे हैं। सहेलियों के साथ आई थी। ओ, बड़ा अच्छा शो था। थैंक यू। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके बच्चे की एक फोटो ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं मिसेस अग्रवाल, जरूर लीजिए। प्रकाश बेटे, आंटी तुम्हारी एक फोटो लेना चाहती है, चलो। थैंक यू बेटा। बाय बाय मिसेस अग्रवाल। बाय बाय। नहीं, तू मेरा बेटा है, मैं हूँ तेरी माँ। अगर तू मेरे पास आ जाए तो मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूँ। नहीं आंटी, मेरी मम्मी कहती है दुनिया की हर खुशी अपने घर पे होती है। मेरा प्रकाश। और मेरे डैडी कहते हैं जो खुशी अपना पन में है उसे सारी दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती। अब क्यों रो रही हो? एक तरफ छोटा सा सुखी संसार, दूसरी तरफ सोने चांदी की चमक, जिंदगी के दोनों पहलू तुम्हारे सामने थे। फैसला भी तुम्ही ने किया था, तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया। अब ये रोना किस लिए, ये पछतावा किस लिए? मुझसे भूल हुई, मैंने गलती की, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा, मेरा बेटा किसी और को माँ कहे, नहीं नहीं। जो माँ दौलत और ऐश इशरत के लालच में अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोंट दे, उसे माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मेरा प्रकाश, मेरा प्रकाश। और सुनो कामनी, जिनके पास सब कुछ होता है उनके पास कुछ नहीं होता, और जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सब कुछ होता है। मुझे मेरा प्रकाश दे दे भगवान, मुझे मेरा प्रकाश दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रकाश दे दे।
ए भगवान अग्रवाल, क्या कर रहा है आपका बेटा? वो प्रकाश घोड़ा बनाए हुए हैं अपने पापा को। देखिए ना, आज शाम को 5 बजे आप तीनों हमारे यहाँ आइए, इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे। जरा ठहरिए, मैं पूछ के बताती हूँ। अनिल, मिसेस अग्रवाल का फोन है, 5 बजे चाय पर बुलाया है। नहीं नहीं, कहाँ जाएंगे? कुछ बहाना बना दो ना, कह दो कि शाम को कुछ दोस्त आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस अग्रवाल, आज नहीं आ सकेंगी, इनके कुछ दोस्त आने वाले हैं, फिर कभी सही। और कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छा, नमस्ते। अग्रवाल, ये है मेरे पति। मैं इनसे मिल चुकी हूँ, राजा साहब के यहाँ। ओ हाँ, लेकिन आप यहाँ अकेली? होटल में बैठे बैठे घुटन से महसूस हो रही थी, इसीलिए यहाँ चली आई। आप नहीं आई ना, दोस्तों का बहाना कर लिया। नहीं मिसेस अग्रवाल, दरअसल बात ये थी कि इनके दोस्तों का फोन आ गया था कि वो नहीं आ रहे, और फिर प्रकाश बोटिंग के लिए कहने लगा, तो हम इसे यहाँ ले आए। खैर ठीक है, होटल में ना सही, यहाँ तो मेरे साथ चाय पीजिए प्लीज। बेरा। यस मैडम। दो चाय लाना, हमारा बेटा क्या खाएगा? पेस्ट्री, लेकिन दो। देखिए ना मिसेस अग्रवाल, कितनी जल्दी समय बीत जाता है, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं हमारे जाने में। बच्चे को भी अपने साथ ले जा रहे हो? जी हाँ, अब ये बंबई में ही रहेगा और वही के स्कूल में पढ़ेगा। मा, मा, देखो। माँ, हमें भी ऐसा प्लान ले दो ना। मैं ले दूंगी बेटे। सच? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं खुद लेकर आऊंगी। प्रकाश, इस तरह किसी से चीजें नहीं मांगा करते बेटे। ऐसा मत कहिए, बच्चा है आखिर, और मैं कोई गैर नहीं। क्या उसकी आंटी उसे खिलौना भी नहीं दिला सकती? क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। कितना बड़ा हो गया है प्रकाश, और होशियार भी। तुम दिल्ली से बॉम्बे कब पहुंचे? 6-7 महीने हुए। मैं लुट गई अनिल, बर्बाद हो गई। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं अपने डैडी के घर में बैठे बैठे परेशान हो गई, लेकिन अपने जिद के कारण मैंने जगह जगह नौकरी की, लोगों की गुलामी करते थक गई, और एक अमीर आदमी से शादी कर ली जिसकी बीवी मर चुकी है, और 2 जवान लड़कों के बाप हैं वो। मुझे जिंदगी में सब कुछ मिला, अनिल, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, मगर पति का प्यार, मुझे मेरा बेटा नहीं मिला। मैं अधूरी रह गई अनिल। इसके लिए दोषी कौन है? मैं खुद दोषी हूं। तुम जैसे सोनापति को छोड़कर, अपने नन्हे मुन्ने को छोड़कर, मैंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है,
पर मैं बहुत सजा काट चुकी हूँ अनिल। तुम्हें अच्छी पत्नी मिल गई, तुम सुखी हो गए, तुम्हें और बच्चे हो जाएंगे, पर मुझे मेरा बच्चा, मुझे मेरा प्रकाश लौटा दो, मैं तुम्हारे पास कामिनी, 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 तुमने हमेशा मनमानी की है, जानती हो? जब तुम दूध पीते प्रकाश को छोड़कर चली गई थी, तब उस पर और मुझ पर क्या बीती होगी? किन मुश्किलों से मैंने उसे पाला है? और जब वो बड़ा हुआ, तो वो पूछने लगा, पापा, मम्मी कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं पापा? उस वक्त उसे क्या जवाब देता रहूँगा? और आज, आज वो राधिका को ही अपनी माँ समझता है, और राधिका भी उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी है। कामिनी, एक बच्चे से उसकी माँ दोबारा मत छीनो। पर अनिल तुम तो, अरे अरे प्रकाश चलो, बाथरूम से निकला तो शिकारे में जा बैठा, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाई हूँ। बहुत जिद कर रहा है, मेरा ख्याल है अब हम चले। थैंक यू मिसेस अग्रवाल। बेटे टाटा करो आंटी को। थैंक यू फादर पेचे आंटी, बाय बाय। बेटे जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है जीवैया, कोई तो बन जाता है जीवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई पीड़ा होती है राधिका। तुमसे कुछ पूछ रही थी? हाँ, पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ जिसे वो जानती है। किसे? है कोई बंबई में, उनके हस्बैंड का दोस्त, नाम नहीं याद आ रहा उसका। राधिका, बहुत दिन हो गए, अब प्रकाश भी हमारे पास आ गया है, क्यों ना वापस बंबई चले? नहीं, मैं एक दो दिन और प्रकाश के साथ लेकर घूमना चाहती हूँ। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। हेलो मिस राधिका। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। मिसेस अग्रवाल, क्या खोज रही हैं आप? कुछ खो बैठी हैं? जी खो बैठी हूँ, मिल जाएगा। कबीर ने भी खूब कहा है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मिसेस अग्रवाल, भलाई इसी में है कि इंसान अपने बीते हुए दिनों को भूल जाए और जो अपने पास है उसे संभाल के रखे और भविष्य के सपने देखे। भविष्य? अग्रवाल जी, एक्सक्यूज मी। श्योर, कहिए राजा साहब। अरे भाई, इनके दिल के बहलाने के लिए कोई सामान करो जी। भाई, हर स्त्री खेलने के लिए
एक खिलाना चाहती है। हमें क्या करना है? हाँ? आप थोड़ा घोड़े पे बैठे। हाँ बैठ जाए। लेकिन तीन क्यों? एक मम्मी के लिए, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। ऐसा करते हैं, आज मम्मी और पापा को छोड़ दो, आप अकेले घोड़े पे बैठो। हाँ अच्छा, तो मंगवाओ घोड़ा। ओ घोड़े वाले, चलो बैठो। टाटा प्रकाश, टाटा। टाटा पापा। आप तो शाम को क्या प्रोग्राम है? मुझे पता है सब, बाद में बताऊंगी। टाटा बेटे। बाय प्रकाश, बाय। टाटा प्रकाश। मैंने ही कहा था दो तीन दिन और रुकते हैं यहाँ। किसी के कहने करने से कुछ नहीं होता। बुरी घड़ी आई थी, बच्चे को गिरना था, सो गिर पड़ा। अगर मारने वाला वो है तो तारने वाला भी वही है, उस पे भरोसा रखो। डॉक्टर कैसा है बच्चा? ही इज वेरी सीरियस। 7 घंटे हो गए, अभी तक होश नहीं आया। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर। यस। पल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। तो डॉक्टर ये है बच्चे के पेरेंट्स की ब्लड रिपोर्ट। ओह नो। बच्चे की गिरती हुई हालत को रोकने के लिए उसे खून देना बहुत जरूरी है। और फिर आप लोगों का खून भी मेल नहीं खाता। हमारे स्टाफ में भी इस ग्रुप का खून नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपका खून टेस्ट कर लें। I'm sorry, डॉक्टर। मैं बच्चे को दुआ दे सकता हूँ, अपना सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन खून नहीं दे सकता। I'm sorry।
डॉक्टर मेरा खून ले लीजिए, कभी कभी परायों का खून भी मेल खा जाता है। प्लीज प्लीज कम इन। चलिए अनिल भाई, मुझे अभी पता चला कैसा है आपका बच्चा। क्या बताऊं, बच्चे का खून की जरूरत है और किसी का खून मिल नहीं खा। मेरा खून ले लीजिए, डॉक्टर साहब से कहिए मेरा खून टेस्ट कर लें। आज मेरे खून से आप जिन्हें बच्चे का जीवन बच जाए तो मैं समझूंगा बाबा जी का दिया हुआ जीवन सफल हो गया। मिसेस अग्रवाल का खून मिल खा गया है, ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। प्रकाश कैसा है? खून दे दिया अनिल, लेकिन अब भी 24 घंटे होश नहीं आया तो भगवान मालिक। ऐसा मत कहिए भाई साहब, अगर प्रकाश को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। भाभी बहन, दिल छोटा ना करो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। कमल सिस्टर, जगत की माँ है, आज एक माँ तेरे चरणों में आई है। मैं अपने पापों की बहुत सजा भुग चुकी हूँ, दया कर माँ मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चे को अच्छा कर दे माँ।
मैं तुझे वचन देती हूँ, अपना बच्चा नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी। और उसकी जान बख्श दे, उसकी जान बख्श दे, वो उसे अच्छा कर दे, उसको अच्छा कर दे। मैं हूँ तुम्हारे सामने। मेरा बेटा। एक दो दिन बाद बॉम्बे। सच्ची माँ? नमस्ते राजा साहब। कैसा है बच्चा? आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है, आइए ना। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते। मैंने कहा था ना बेटी, उस पे भरोसा रखो। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते बेटा। बड़ी लंबी उम्र हो तुम्हारी, तुम्हें मेरी उम्र भी। जीत रहो बेटा, जीत रहो। बेटी ये लो। ये क्या है राजा साहब? ये प्यार की छोटी सी भेंट है, कुछ बच्चे के लिए, कुछ तुम्हारे लिए और कुछ अनिल के लिए। आपने ये तक नहीं दूंगी राजा साहब। तुम चुप रहो। ये बताओ कश्मीर फिर कब आओगे? अब तो हर साल आना होगा, क्यों ना रेखा? जी हाँ, अब तो आपका प्यार खींच लाएगा। फिर तुम ये रख लो, अगली बार जब कश्मीर आओगे तो होटल में नहीं, मेरे मकान में ठहर। लेकिन इसकी क्या जरूरत है राजा साहब, आप तो यहाँ होंगे ही। रख लो ऐसे। बात यह है अनिल, मेरे पांव में चक्कर है, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, और फिर कहीं ऊपर वाले का बुलावा आ गया तो। अच्छा चलता हूं मैं। नमस्ते। बेटे मैंने तुम्हारे लिए फलों के पेड़ लगाए, उनके फल जरूर खाना। गुड बाय राजा साहब। गुड बाय। गुड मॉर्निंग जी। 114 में मिस्टर मेहरा, मिसेस मेहरा थे, कहाँ गए? वो थोड़ी देर हुई चले गए। कब? आधा घंटा हुआ, टैक्सी लेकर जम्मू चले गए।
हेलो मिसेस अग्रवाल, आप यहाँ चले जा रहे हैं आप लोग बिना बताए बिना मिले? बात दरअसल ये थी कि इनके मेरे ऑफिस से ट्रंक कॉल आ गया था, कोई जरूरी काम निकल आया, इसलिए अचानक जाना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी आप लोग दो तीन दिन रहने वाले हैं। आंटी, आपने प्रॉमिस किया था ना अपने? हाँ बेटे, मुझे याद है मेरा प्रॉमिस। ये देखो बिल्कुल वैसे ही है ना? हाँ आंटी। अच्छा है? बहुत अच्छा है। मेरा बेटा खुश रहो। मिसेस अग्रवाल, सदा खुश रहना। हमें जो मुझे ट्रेन पकड़नी है, आपकी इजाजत चाहिए। नमस्ते। नमस्ते बेटे, इतना अच्छा प्रेजेंट दिया है आंटी ने, नमस्ते करो इन्हें। लैंड पकड़ो माँ। कोई बात नहीं बेटे। जब अपने घर